Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. फैंटास्टिक, तुमने बहुत अच्छा शॉट मारा है। थैंक यू पापा। उमा, तुम्हारी बेटी जो है सच में तारीफ करने लायक है। आज आप अकेले आए विनय अंकल? आपका सुपुत्र कहाँ है? हेलो, होटल में क्या कर रहे हो? एक्चुअली कल रात को पार्टी के बाद दोस्तों ने कहा रुक जा, इसलिए जल्द से जल्द ऑफिस चले आओ, बात करनी है। क्या बात है? सुनीता उमा की एक लौती औलाद है, वो उमा की सारी संपत्ति की मालकिन होगी एक दिन। तुम्हें सुनीता से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उमा से मैंने सारी बातें कर ली है, अब से तुम बस उमा का भरोसा जीतने की कोशिश करो, तुम्हें सब मिलेगा। चाचा जी, दो नंबर बस्ती बहुत सस्ते में बिक रही है। खरीदना चाहूं तो खरीद ही सकता हूं विजय, लेकिन बस्ती वालों को उजाड़ना क्या आसान है? क्यों? सुना है उन लोगों का एक मसीहा है, नाम रणवीर है। हट! इस मोहल्ले में तूने फिर से नशे का धंधा शुरू कर दिया। चाय की दुकान के आड़ में तू ये सब कर रहा है। उठ! अरे उठ! उठ! निकल, निकल यहां से। उठ! सुनीता, सुनीता जल्दी आ, देख क्या हुआ बुआ? रणवीर इन एक्शन, वो देख। यही तो यहाँ का गुंडा है ना बुआ? ओपन डिलाइट में ऐसे मारपीट, इन्हें कोई रोक नहीं। बोल साले, बोल, बोल इन सबके सामने, इसके बाद तू नशे का धंधा नहीं करेगा, बोल। ये मेरा अपना कारोबार है, तू इसमें बोलने वाला कौन होता है? बोल। रणवीर, बहुत हो गया, रुको, अब रुको। रणवीर, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। ये बात तूने कहां से सुनी? चाहे जहां से भी सुनी हो, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा हूं, वो नशे का ठेक चलता है बादू के पैसों से। रणवीर क्या रे, सुबह से ही बेवड़ा मार के बैठा है। बेवड़े के लिए क्या सुबह क्या शाम। नंदू के नशे का अड्डा मैं बंद कर दूंगा बादू, उसके कारोबार में पैसे लगाने से तू भी मार खाएगा और तेरे पैसे भी डूबेंगे। रणवीर, रणवीर, अशोक, जलपाईगुड़ी से तू कब आया? मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? तेरे साथ कारोबार? हाँ। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और तू कहता है कारोबार करूं। अरे पैसा तो मैं लगाऊंगा, तू सिर्फ दिमाग लगा और मेहनत कर। सोच के देखता हूं, बाद में तुझे बताऊंगा। यहां क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्यों पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं है अशोक। अभी भी पेंटिंग करता है या फिर छोड़ दिया? सुना है सुनीता मिश्रा का आर्ट एग्जीबिशन अच्छा हुआ है।
ये तुम्हारे घर की तस्वीर है ना? हाँ। मुझे इसे खरीदना है। This is not for sale. ये मैं नहीं बेच सकती सर। क्यों? ये तो मेरा पहला प्यार है। तुम्हारा म्यूजिक कॉलेज सब कुछ कैसा चल रहा है बताओ? सब ठीक है। ओ, कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स वेलकम है, नवीन वरण उत्सव। सुनीता, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी थी। सच में दीदी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर मेरा प्राइज? ये लो तुम्हारा फर्स्ट प्राइज, ये रहा सेकंड प्राइज, और ये लो तुम्हारा थर्ड प्राइज। वैसे आपका प्राइज सिलेक्शन ग्रैंड है दीदी। अरे क्या हुआ, देंड क्यों मार दिया? खाओ खाओ और खाओ। अरे खाइए मैडम, और ये बिल मुझ पे फाड़िए, खाइए खाइए। चलो यहाँ से। वो बदतमीज इंसान कौन था दीदी? बादू, हमारे मोहल्ले का एक गुंडा है, कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा ही गुंडा है, इन लोगों को पकड़ पकड़ के। आपका घर कहाँ है दीदी? माँ माँ, ये देखो कौन आया है, अंदर आओ। जीती रहो बेटी, तुम सुनीता हो ना? आप मुझे कैसे जानती है मौसी जी? प्रिया ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी अखबार में, गाने में। वो क्या तुम्हें फर्स्ट प्राइज वाइज मिला था? पता नहीं बेटा, तुम दोनों कमरे में जाकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हलवा मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा और दे दूँ तुम्हें बेटा? नहीं नहीं मौसी जी, और नहीं खा पाऊंगी। इस घर में कोई और भी है जिसे हलवा पसंद है? किसे? मेरे भैया दिग्रेट। प्रिया? हाँ? अविनाश कैसा है रे? बहुत दिन मैंने नहीं देखा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो ऑफिस के काम से बाहर गया है। इस बार अविनाश के साथ प्रिया की शादी करवा ही देता हूँ, क्या कहती हो? भैया, बादू फिर से मेरे पीछे पड़ा है। फिर से तूने मेरी बहन को परेशान किया। मुझे गुस्सा मत दिला बादू, तू तो मुझे जानता है ना? बोल। अच्छी तरह पहचानता, अच्छी तरह। तो फिर काट के फेंक दूंगा बादू। देखो तो जरा कौन हूं मैं, पहचान सकते हो कि नहीं? अरे अवनी। मैंने तुम्हें पहचान लिया इडियट, आओ आओ अंदर आओ। किस काम से आए थे? तुम्हारे पास आने में एतराज है तुम्हें? फादर चाचू, आपने तो कहा था कल आएंगे, चिट्ठी में तो। फादर चाचू, इस बार मैं आपके अनाथ आश्रम में जरूर जाऊंगी। ठीक है, कल ही चलो मेरे साथ। कल जाओगे मतलब? कल तो होली है, इस बुड्ढे को कौन रंग लगाएगा भाई? Yeah.
सुनीता कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी? चलो ना, भैया से मिलवाती हूँ। भैया? हाँ, अंदर नहीं देखा? वो आदमी आपका भैया है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता क्या? एक क्रिमिनल गुंडा आपका भैया है? अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। जिस इंसान के ऊपर पूरा मोहल्ला थूकता है, दूसरे मोहल्ले के गुंडे जिससे डरते हैं, उसकी बहन मेरी दोस्त है, मैं सोच भी नहीं सकती। सुनिए, आप अभी घर जा सकती हैं। जिस दिन आप प्रिया को एक गुंडे की बहन नहीं समझकर दिल से सिर्फ अपनी दोस्त ही मानेंगी, उसी दिन इस घर में आइएगा, उससे पहले नहीं। सुनीता, पता है सुनीता, मेरे एक और भैया थे, बड़े भैया। मजदूर भाइयों, अगर मालिक हमारी इतनी सी मांगे पूरी नहीं कर सके, इसका यह मतलब है कि मालिक को मजदूरों की परेशानियां नहीं दिखती। इन हालातों में मालिक और मजदूरों के बीच में एक तालमेल बनाए रखना असंभव है। देखिए नेताजी, मैं आपको पूरी तरह से खुश कर दूंगा, बस ये हड़ताल खत्म कर दीजिए। नहीं अग्रवाल साहब, रिश्वत देके आप मुझे नहीं खरीद सकते। जब तक हम सबकी मांगे पूरी नहीं होती, जैसे ये हड़ताल चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। भैया, तेरे लिए मेरे दिल में इज्जत आज से और भी ज्यादा हो गई है रे। अग्रवाल से रिश्वत नहीं ली इसलिए? अरे बुद्धू, इसका मतलब कि तुझे लगता था कि तेरा भैया रिश्वत ले सकता है? कबीर बाबू, अग्रवाल साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। भैया, 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 ये क्या हो गया? भैया बोल, भैया अगर वाल Oh!
हेलो पुलिस, अग्रवाल को मारने की कोशिश, इस जुर्म में भैया को जेल हो गई। वैसे एक बात जानती हो सुनीता, लोग क्या सोचेंगे इसमें किसी का जोर नहीं, लेकिन कोई भी सामने से आकर मेरे भैया को गुंडा मवाली कहे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे भैया चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका इस तरह से अपमान करने का हक किसी को नहीं है। कलंक को छुपाने की हिम्मत सिर्फ चांद में होती है, तारों में नहीं। प्रिया दी, प्रिया दी। हाँ बेटे। दीदी कहाँ है मौसी जी? वो तो ट्यूशन पढ़ाने गई है। और रणवीर जी? वो कब घर में आता है नहीं आता है इसका कोई भरोसा नहीं है। मौसी जी मैं थोड़ी देर इंतजार करूं? मतलब प्रिया दी अगर। जरूर इंतजार करो, तुम कमरे में जाकर बैठो। सुनिए रणवीर जी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ। तो फिर कहिए, लेकिन थोड़ी जल्दी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप बिजी हैं? बिजी होने का हक सिर्फ आप लोगों को ही है। आप लोग मतलब कौन? क्यों, अमीर लोग, बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, गाड़ियों में घूमने वाले शरीफ लोग। छोड़िए, क्या कहना चाहती है कहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये सब क्या है,
अचानक क्या हो गया है आपको? नहीं, मतलब उस दिन प्रियादी से बिना कुछ जाने आपके बारे में बहुत कुछ कह दिया, इसीलिए। कहा कुछ गलत तो आपने नहीं कहा? सिर्फ एक गुंडे को गुंडा कहा है बस। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझसे बहुत गुस्सा है ना? गुस्सा नहीं हूं। गुस्सा करने वाली क्या बात है? सच सुन के मुझे गुस्सा नहीं आता, और फिर लोग तो गुस्सा अपनों पर करते हैं। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। अगर प्रिया से मिलना है तो आप बैठिए, वो बस आती ही होगी। सुनिए, अब क्या हो गया? मैं प्रियादी से नहीं, आपसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने? हाँ। अच्छा, क्यों बोलिए तो? मैं आपसे साफ साफ कुछ सच कहना चाहती हूँ। मैं तो फंस गया। ये सब क्या है? हाँ, उसके लिए आपको मुझे वक्त देना होगा। आप मुझे ना नहीं कह सकते। अपने आप को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप? जो पहले से ही बर्बाद है वो फिर से क्या बर्बाद होगा? आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गुनाह? गुनाह? आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। जो बुजदिल होते हैं वही मरने की बात करते हैं। आप जितनी भी रंगीन बातें क्यों ना कर ले, जिंदगी असल में एक हारी हुई बाजी है। लाइफ इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन। इसलिए आत्महत्या करेंगे? सितार अगर सुर में ना बजे तो इसमें कसूर किसका है? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कसूर बजाने वाले का है, सितार का नहीं। ठीक कहा ना? जवाब नहीं देंगे क्या? तब से सिगरेट पी रहे हैं। किसी एक पे तो भरोसा करके देखिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तो मिला ही नहीं अभी तक। मिला है लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे हमारे घर आएंगे। पापा और बुआ चंदन नगर जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपका इंतजार करूंगी। आइए 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 ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं ऐसे? आपका घर एक तस्वीर जैसा है। ये मेरा पहला प्यार है। नॉट फॉर सेल। आप आर्ट एग्जीबिशन में मैंने आपके घर की तस्वीर देखी थी। सच में? पता है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब दिल से एक घर की तस्वीर बनाई थी। फिर पापा ने वो तस्वीर देखकर बिल्कुल उसी तरह का एक घर बनाया। इसीलिए ये घर मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आइए। यहाँ मैं रियाज करती हूँ। सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं। इस पूरे घर में यही कमरा मेरे दिल के करीब है।
ये आपके लिए। माउथ ऑर्गन? मैं क्या करूं? मुझे पता है आपको माउथ ऑर्गन बजाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता था, तब सब कुछ बिल्कुल अलग था, अब भूल गया हूं। कलाकार अपनी कला नहीं भूलते। कुछ नहीं भूले आप। हो सकता है कुछ दिन के लिए कहीं खो गए थे। आपको फिर से बजाना होगा। इससे क्या फायदा? दूसरों को खुश रखने से ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है? क्या हुआ, बजाइए। सिरे से शुरू करने का मन नहीं करता? डर लगता है। डर किस बात का? तुम्हें तभी बहुत आगे जाना है। जाऊंगा। मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? तुम मेरे साथ चलोगी? तुम जहां लेकर जाओगे। वादा करती हो? वादा करती हूँ। लेकिन तुम्हें तो बहुत तकलीफ होगी। तुम अगर साथ रहोगे तो कोई तकलीफ मुझे छू नहीं पाएगी। सुनीता। बोलो। मुझे
आज तक कोई समझ नहीं पाया। तुम मुझे कभी गलत तो नहीं समझोगी ना? कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वादा करो। वादा किया, किया, किया। सुनीता। अरे विनय चाचू, लेकिन पापा बुआ कोई तो घर पर नहीं है। वो तो इस दो कौड़ी के गुंडे को मैं यहाँ देखकर ही समझ गया था। रणवीर मेरा दोस्त है विनय चाचू। दोस्ती निभाने के लिए ये जगह शायद ठीक नहीं है। इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी। अपने पापा को तो दोगी ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हें गुंडे को घर में लेकर आई? भैया इतना मत चिल्लाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या कहा? बाहर अगर रणवीर के साथ घूमूंगी तो आपकी बेइज्जती होगी, इसीलिए उसे घर बुलाया। शट अप! आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। तुम्हें मैं आज ही शहर से बाहर भेज दूंगा। ए सुनीता, देखो मेरी तरफ। क्या हुआ बोलो। तुम्हें जो करना है जरा जल्दी करो प्लीज। मैं पापा पे भरोसा नहीं कर सकती, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भैया, मैंने सुना है सुनीता के पापा ने उसे घर पे बंद करके रखा है। यहाँ क्यों आए हो? सुनीता को घर में बंद करके क्यों रखे हैं? उसका जवाब क्या मुझे तुम्हें देना होगा? हाँ देना पड़ेगा जवाब। तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अपनी बेटी को बुलाइए, उससे मुझे बात करनी है। शट अप! मेरी बेटी के पैरों की जूती के बराबर भी तुम नहीं हो। उसके साथ तुम कभी नहीं मिल पाओगे। सुनीता से बिना मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या ब्लडी स्वाइन, अगर तुमने मेरी बेटी का नाम जुबान पर लाया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। निकलो मेरे घर से। गेट आउट। आपका पैसों का घमंड, आपका गाड़ी का घमंड और आपका इस घर का घमंड मैं अभी यहाँ खड़े खड़े ही सब ठंडा कर सकता हूँ, लेकिन आप सुनीता के पिता हैं। लीजिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। सिग्नेचर भी क्या कमाल की चीज है, सिर्फ एक सिग्नेचर बस। उसके बाद रणवीर आपकी पत्नी। ए, धत, पत्नी नहीं, पत्नी नहीं, पति। ओ, पति पति पति। क्या करने जा रही हो? ये आखिरी बार तुम सोच लो सुनीता। रणवीर, नई बीवी है, इन सब चीजों से बांध के रखना। ये है सिंदूर, ये लो कंगन और ये लो चूड़ा। और माला? अरे माला का पैकेट का अभी लाया, अभी जा लेकर। अरे वहाँ पे क्यों रखा है? जल्दी ला, जल्दी ला। यहाँ ये लो। हाँ हाँ यहाँ रख। ये रही माला। चलिए समीर भैया, अभी हम सब बाहर चल के पेट पूजा कर लेते हैं। चलो चलो, हम लोग बाहर जाकर के कुछ खाते हैं और इन लोगों को अंदर कुछ देर अकेले रहने दो। चलता हूँ भाभी। Thank you.
तुम्हें मेरे दिल के सबसे करीब हो। और तुम्हारा पहला प्यार? पहला प्यार? तुम्हारा वो प्यारा घर जिसे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तुमने ही तो कहा था। उफ, तुम ना बहुत जलते हो। अच्छा, प्यार करूं और जलन ना हो, ये क्या हो सकता है? सच में? हाँ। हट, तुम मजाक कर रहे हो। अरे मजाक क्यों करूंगा? तुम ना बहुत बदमाश हो। नहीं सुनीता, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें एक घर बिल्कुल तुम्हारे पहले प्यार जैसा तोहफे में दूंगा। हेलो।
कौन? रणवीर भैया? हाँ हाँ रणवीर भैया। रणवीर भैया, मैं राजू बोल रहा हूँ। बादू तुम्हारी बहन को उठा कर ले गया है। क्या बोल रहा है? कब? अभी कुछ देर पहले। मैं यहाँ हूँ, तुझे कैसे पता? कैसे पता चला कि आप होटल में हैं? बस जान गया गुरु। बादू प्रिया को कहाँ लेकर गया तुझे पता है? बगल वाले स्टेशन के पास में। क्या? हाँ सुनीता, मुझे अभी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, ये सही नहीं होगा। तुम यही रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रणवीर। सुनीता, तुम डरो मत। मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम दरवाजा बंद रखना, मैं चलता हूँ। प्रिया कहाँ है? साले जी, उसकी डोली अभी तक घर पे ही है। तो फिर तूने मुझसे फोन पे? सुनीता कमाल की है ना? अगर तुझे सब कुछ पता है तो फिर मेरी शादी की रात को तूने यहाँ क्यों बुलाया है? शादी? होटल में छोकरी घुसा के शादी मना रहे हो? और मैं तुम्हारी बहन को थोड़ा चार्ज भी नहीं कर सकता? बादू, प्रिया की मैं अच्छे से शादी करवाऊंगा। वो एक लड़के से प्यार करते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ। ये गाड़ी जो तू देख रहा है, इसमें ट्रक्स, गांजा, अफीम सब भरा हुआ है। माल की डिलीवरी होते ही मैं माला माल हो जाऊंगा। और उसके बाद तेरी बहन को ऐसा चार्ज करूंगा कि उसके सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जाएगी और तू साल में दो बार मामा बनेगा। मामू बादू, मारो साले। अभियुक्त रणबीर जैसे गैर कानूनी काम करने वाले लोग ही हमारे समाज को बर्बाद और खोखला बना रहे हैं। इसे ही मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त रणबीर को
ड्रग्स का कारोबार करने और उससे जुड़े रहने का अपराधी मानती है और उसे आईपीएस धारा 408 के तहत 1 साल की कड़ी सजा सुनाती है। यह अदालत अभियुक्त रणबीर को ड्रग्स का कारोबार करने और उससे जुड़े रहने का अपराधी मानती है और उसे आईपीएस धारा 408 के तहत 1 साल की कड़ी सजा सुनाती है। डॉक्टर से मिली? हाँ। क्या कहा? सुनीता प्रेग्नेंट। नंदनी। बोलिए भैया। अगर इतनी बड़ी बात किसी को पता चल गई तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? सुनीता, सुनीता ने ये क्या किया? भैया बोल। आपके दोस्त का मुंबई में एक नर्सिंग होम है ना? हाँ? सही कहा तुमने। मैं इस शादी को नहीं मानता। सुनीता कुमारी है, वो मां नहीं बन सकती। सुन, एबॉर्शन का आइडिया तू छोड़ दे। क्यों? बहुत एडवांस स्टेज है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 6 जुलाई। मैंने सुनीता का टेस्ट बहुत अच्छे से करके देखा है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। इस स्टेज में ऑपरेशन करने से सुनीता बचेगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा सुन। बोल। तूने एक बार मुझे बताया था ना, तेरे दोस्त का एक अनाथ आश्रम है। हाँ भैया, अवनी भैया का अनाथ आश्रम तो है। आई सी। तुम मुझे एक बार एड्रेस देना तो नंदिनी। अच्छा। सुनीता एक दिन मेरे नर्सिंग होम के केबिन में बेहोश पड़ी रहेगी और मैं उसके बच्चे को। बुआ बोल। बेटा या बेटी, क्या हुआ है मुझे? सुनीता बोलो ना बुआ। तुम एक बार उसे मेरे पास लेकर आने के लिए कहो ना। बोलो ना बुआ। अवनी, ये मेरी सुनीता का बेटा है, देवाशीष। देवाशीष? तुम्हें नहीं पता बुआ, ये दिन मैंने कैसे बिताया है। तुम सबने मिलकर मुझे कितनी बातें सुनाई। मैंने सब कुछ सहा है सिर्फ उसके लिए, सिर्फ आज के दिन के बारे में सोचकर। आज 6 जुलाई है, देवाशीष इस दुनिया में आया है। आज का दिन मेरे लिए कितना खास हो सकता था ना अवनी। अब मुझे जाने की इजाजत दो। तुम अपने आश्रम में इसका पालन पोषण करो, जीसस तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कब मैं उसे देख पाऊंगी? तुम एक बार उसे मेरे पास लाओ ना बुआ। उसे देखने के लिए मेरा दिल बेकरार हो रहा है। मुझे नहीं पता था ऐसा होता है। सुनीता। वो देखो पापा आ गए हैं। पापा आप एक बार डॉक्टर अंकल से कहिए ना उसे मेरे पास। तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, मरा हुआ बच्चा। क्या? नहीं, नहीं पापा, नहीं, नहीं।
सुनीता सुनीता धीरज रख, धीरज रख सुनीता, मेरी बात मानो। जीवन में हमें बहुत आगे जाना है सुनीता, माइल्स माइल्स टू गो। अभी भी बहुत दूर जाना है तुम्हें, समझ लो ये एक्सीडेंट था, एक बुरा सपना। इन बुरी यादों को अपने दिल से निकाल देना होगा। लेकिन मेरा प्यार, मेरा पति, एक बस्ती का गुंडा स्मगलर जो भी जेल में चक्की पीस रहा है वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता। पापा, मेरे पति के बारे में मैं ये सब बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगी। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अमेरिका जाना होगा, वहाँ से तुम आगे की पढ़ाई पूरी करके आओगी, उसके बाद मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। लेकिन पापा, मेरी जिंदगी, उसमें सिर्फ मेरा हक है। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसे बर्बाद करो। क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? जरूरत पड़ी तो करूँगा। पापा क्यों मुझे जबरदस्ती बाहर भेजना चाहते हैं? जबरदस्ती नहीं, अब तू करेगी भी क्या? रणवीर तो जेल में है। अच्छा बुआ, क्या सच में रणवीर स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया? क्यों, तूने खुद रणवीर का मामला न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा? बुआ, मेरी पूरी जिंदगी कैसे बिखरती जा रही है। तुम सबकी बातें ठुकरा कर मैंने जिस पर भरोसा किया, प्यार किया, भाग कर शादी की, उसने इंसान को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। रणवीर, रणवीर। बोलो माँ। सुनीता के बारे में सब पता चला है ना? हाँ माँ। तेरा पति कहाँ है रे प्रिया? वो काम पे गए हैं। हमारा दामाद बहुत अच्छा है बेटा। प्रिया, तुझे भी पसंद है ना? अच्छा रणवीर, सुनीता के लिए तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? सुनीता जैसी लड़की को कोई गलत कैसे समझेगा माँ? सही कहा तूने। माँ। क्या बोल? मुझे अब कुछ करना पड़ेगा माँ। सुनीता से मिलने से पहले सोच रहा हूँ अशोक के साथ कारोबार शुरू करूँ जलपाईगुड़ी में।
नाम क्या है तुम्हारा? शताब्दी। कहाँ जाओगे? सिलीगुड़ी। तुझे ट्रेन से आने के लिए किसने कहा था? वो भी सेकंड क्लास। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी ना, लास्ट मिनट पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रेन में अगर ये नहीं होते तो यंग मैन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। शताब्दी हमारी इकलौती बेटी है। बोलो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? थैंक यू। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैं बहुत बेचैन हो गया था। संभल गया हूं और अब नए रास्ते पर मैं खुद चलूंगा। तो ठीक है, चलो, निश्चिंत होकर चलो, बिल्कुल मत डरना। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज 6 जुलाई, सुनीता के बेटे देवाशीष का और 1 साल पूरा हुआ। देवाशीष के पिताजी की खबर कुछ मिली या नहीं? देवाशीष, बदमाशी मत करो, वो कागज मुझे दो। प्रिय उमा, बहुत दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई। देवाशीष के मम्मी पापा, फादर, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? शताब्दी, अरे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी और काम भी नहीं करने दूंगी। लेकिन मुझे तो अभी बहुत काम करना है। तुम्हें तो सिर्फ काम और काम, इतने सालों से सिर्फ काम ही तो कर रहे हो। अच्छा, इतने सारे बिजनेस करते हो, इतने पैसे कमाते हो, कितनी मेहनत करते हो। जल्द से जल्द खुद को बड़ा बनाना चाहता हूं। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, शायद उसके लौटने का वक्त आने वाला है। मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आती। अभी तुम मुझे घुमाने लेकर चलो। चलो उठो तो, उठो 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 उठो। क्या हुआ? अकेले अकेले क्या सोच रहे थे? किसके बारे में सोच रहे थे? तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ,
सच में मेरे अपने हैं। तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया है। रणवीर प्लीज। शताब्दी। बोलो रणवीर। मेरा एक अतीत है, मैं। अभी छोड़ो ये सब, किसी दिन आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें घर छोड़कर मुझे कहीं और भी जाना है, मैं चलूं? हाँ ठीक है। ये देखो, जो बताना था वो तो रह ही गया। हाँ बोलो। पापा तुम्हें एक बड़े बिजनेसमैन से मिलाने ले जाना चाहते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। कौन है वो बिजनेसमैन? पापा के ऑस्ट्रेलिया वाले एजेंट। उनसे मिलने पर तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में भी काफी हेल्प मिलेगी। कब जाना है? पापा जिस दिन कहेंगे। अच्छा एक और बात, इस बार तुम भी अपनी दीदी के घर नहीं रहोगे, हम भी चाचा जी के घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा बिजनेस टूर। स्टेटस मेंटेन करना होगा ना, 5-स्टार होटल में रहना, फ्लाइट से ट्रैवल करना। ओह प्लीज पापा, आपको तो पता है मुझे ये सब पार्टी वार्टी पसंद नहीं। लेकिन ये पार्टी तो तुम्हें अटेंड करनी ही पड़ेगी, आफ्टर ऑल पार्टी तुम्हारे ऑनर में है। अच्छा सुनीता, तेरे आने की खुशी में अगर हम लोग थोड़ा मौज मस्ती करना चाहें तो इससे तुझे क्या एतराज है? उस वक्त तुम मुझसे पूछ रही थी ना, ये सब मस्ती, दिल बहलाना, इन सब से मुझे क्या एतराज है? हाँ मतलब असल में बाहर रहकर इन कुछ सालों में मैंने बस एक ही चीज की कोशिश की है। क्या पता है? किस चीज की? रणवीर को भूलने की। लेकिन कहाँ मैं भूल पाई, हर दिन हर रात मुझे सिर्फ उसी की याद सताती रही। प्यार ने मुझे मार डाला। I'm not afraid to die.
अरे आइए आइए विनय बाबू, बैठिए। थैंक यू। ये हैं मिस्टर चंद्रशेखर। हेलो। इंडिया में मेरे बिजनेस के सोल एजेंट, इनकी बेटी शताब्दी। हेलो। और ये हैं मिस्टर विनय राय, इनके ही इनविटेशन पे आज यहाँ आई हूँ। और हम लोग आपके। वेल वेल, रणवीर कहाँ है? अरे हाँ, सोच रहा था मिसेस सैगल के साथ उसकी मुलाकात करवा दूंगा। मैं देखती हूँ पापा। मेरी होने वाली बहू कैसी लगी मिस्टर राय? इनके बेटे अशोक के साथ ही मेरी बेटी की शादी तय की है मैंने। वैसे शताब्दी को अब तक इस बारे में कुछ पता नहीं है कि पार्टी में ही उसका रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय हो गया। एक्सक्यूज मी। हाँ श्योर। अच्छा, आपके साथ एक और सज्जन को देखा था मैंने। रणवीर, मेरी बेटी का बिजनेस पार्टनर। रणवीर, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? चलो पापा तुम्हें बुला रहे हैं। आपकी बेटी रणवीर को जब इतना पसंद करती है तो उसी से ही शादी क्यों नहीं करवा रहे? रणवीर जी को ही अपना दामाद बना लीजिए, हर तरफ से अच्छा रहेगा। देखिए मिस्टर चंद्रशेखर, देखिए आपकी बेटी और रणवीर की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल पति पत्नी लग रहे हैं, है ना? बताइए। मैं अभी आता हूं। कहां जा रही हो सुनीता? रणवीर के पास? हाँ विनय चाचू, रणवीर से यहाँ मुलाकात होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। उसे किसने बुलाया? वो मेरे दोस्त चंद्रशेखर जी के साथ आया है। करोड़पति लड़की से शादी करके रणवीर कितना बदल गया है देखा तुमने? शादी? हाँ सुनीता, शादी। वो लड़की जो उसके साथ खड़ी है वही तो उसकी पत्नी है, शताब्दी, चंद्रशेखर की बेटी है। पत्नी? हाँ पत्नी, रजिस्ट्री हो गई है, बस धूमधाम से मनाने की देरी है, इसलिए शायद सिंदूर नहीं लगाया। रजिस्ट्री हो गई है? काफी दिन हो गए, अगर उसे पूछोगी तो वो जरूर तुमसे छुपाएगा। शायद एकदम से बात को नकार भी दे, उसे तो हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, बात करनी है शताब्दी से, चलो फिर। अच्छा रुको, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं 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 नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस शुभ घड़ी में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और वो अनाउंसमेंट है सुनीता के साथ मेरे इकलौते बेटे विजय की शादी। ने अचानक विजय के साथ सुनीता की शादी की अनाउंसमेंट क्यों की? मैं बस सबको बताना चाहता था। ये तुमने क्या किया विनय? अच्छा हुआ कि सुनीता यहाँ नहीं थी। लेकिन यहाँ आते ही तो सुनीता को पता चल जाएगा। तुम देखो कि वो पार्टी में नहीं आए। देखती हूँ। करोड़पति लड़की से शादी करके रणवीर कितना बदल गया है देखा तुमने? हाँ सुनीता, शादी। वो लड़की जो उसके साथ खड़ी है वही तो उसकी पत्नी है, शताब्दी। और वो अनाउंसमेंट है सुनीता के साथ मेरे इकलौते बेटे विजय की शादी। रजिस्ट्री हो गया है, बस धूमधाम से मनाने की देरी है, इसलिए शायद सिंदूर नहीं लगाया।
सुनीता, अगर उसे पूछोगी तो वो जरूर तुमसे छुपाएगा। शायद एकदम से बात को नकार भी दे। उसे तो हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं। सुनीता, कहिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। ओ, लेकिन मैं खत्म, सब कुछ खत्म। सुनीता से मैं मिलने जाऊंगी, उसे कहूंगी तेरी जिंदगी बर्बाद करने का उसे कोई हक नहीं है। नहीं प्रिया, नहीं, मैं तुझे मना कर रहा हूँ। भैया, सुनीता, सुनीता फिर से शादी करके खुश रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ मुझे अपना वादा निभाना होगा। ये क्या बुआ, मुझे मौत क्यों नहीं आती? सुनीता, सुनीता, तू इतनी स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हम लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। कंपनी का सारा काम तुम संभालोगी, अब मुझे छुट्टी दे दे बेटे। अंदर आऊं? आइए बैठूं। बैठिए। बोलूं? कहिए। ये डिजाइन। ओ, अच्छा, आप ही क्या वो सेंचुरी एजेंसी के मिस्टर पशुपति? जगत रानी का पति पशुपति। क्या? जगत रानी का पति पशुपति, मेरा नाम। अगर दिक्कत हो तो सिर्फ पति, तो फिर पशु। काम की बात कीजिए। मेरे मालिक बिल्कुल ऐसी ही डिजाइन का घर बनवाना चाहते हैं आपसे। सॉरी, ये सब छोटे मोटे काम करने का वक्त नहीं है हमारे पास। दो चार ब्रिज कंस्ट्रक्शन और एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड को लेकर बहुत बिजी हैं हम लोग। सब पता है मैडम, फिर भी अगर। यस, मैं विजय। कैसी हो सुनीता? अपसेट? नहीं, बिजी हूँ। ठीक है,
बाद में फोन करता हूँ, गुड बाय। तो फिर मैडम आपने क्या डिसाइड किया, मेरी पत्नी घर में रहेगी या नहीं? पत्नी घर में, ये सब क्या बकवास है? आप अगर मेरा काम नहीं करेंगी तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी जाने से पत्नी कैसे रहेगी मैडम? और आप सोच के देखिए, इस उम्र में पत्नी के जाने से दूसरी क्या मिलेगी? प्लीज आप इस डिजाइन को एक बार अच्छे से देख तो लीजिए। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एक जैसे। ये डिजाइन आपको कहां से मिली? मुझे नहीं मैडम, मुझे नहीं, मेरे मालिक असंभव साधन चौधरी, ये मतलब साधन चौधरी, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है, बिल्कुल चील की तरह जगह जगह घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं देखी होगी। अजीब बात है, आपकी ये डिजाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक काम कीजिए, अब कल आइए, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। ठीक है मैडम, इतना छोटा सा काम करने के लिए हमारे पास वक्त है? उस हाल में तुम्हारा काम अगर मेरा बेटा विजय कर दे तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी मिस्टर राय। जरूर। मैं वहां रूटीन विजिट करने भी नहीं आ पाऊंगी। जरूरत नहीं है। ओके, देन इट्स डिसाइडेड, ये काम हम ही कर रहे हैं। मकान को मेरे मालिक ने आपको बनाने के लिए कहा था। हम ही तो कर रहे हैं। नहीं, आज तक एक बार भी आप साइट पे नहीं गई हैं। बैनर सिर्फ आपका है, काम कोई और कर रहा है। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है वो मकान आज गिर गया है। What? एक लेबर मर गया है, 7 लेबर घायल है, और इन सब के लिए जिम्मेदार है सस्ती सीमेंट और घटिया मटेरियल। आपका 2 नंबरी कारोबार यही खत्म हुआ। नकली माल बेचकर एक पैसा भी आपके बैंक में ना जाए, इसका इंतजाम मैं करूंगी। मतलब? आज से मैं आपको ब्लैकलिस्ट करती हूँ। इसके बाद से सिर्फ हम नहीं, कोई भी कंपनी आपसे माल ना खरीदे, इसका इंतजाम मैं करूंगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। एक बित्ते भर की छोकरी, वो आकर तुम्हें डांट गई और तुम बुद्ध बने खड़े रहे। सुनीता को मुझे अपनी बहू बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उमाशंकर की सारी संपत्ति की ओनरशिप मुझे चाहिए। इसका मतलब? मुझे अगर कुछ मिलता है, तेरा भी नसीब चमक सकता है बादू। एक जरूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ा था, आज ही लौटा हूँ। मेरा काम वक्त पर हो जाएगा ना रणवीर जी? डेफिनेटली, आज ही आधा काम खत्म हो जाएगा और इन पेड़ों को काटने का काम शुरू हो जाएगा। संजीव जी। सर। ये आवाज कैसी है? बच्चों की पिकनिक चल रही है। देवाशीष कहाँ गया?
सर आपकी जीप। अच्छी चला रहा था, आपने गाड़ी रोक क्यों दी अंकल? शट अप, तुम जीप में कैसे बैठे? कौन हो तुम? देवाशीष, देवाशीष, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जीप चला रहा था। अगर मैं नहीं रहता तो एक्सीडेंट हो सकता था। इस तरह से एक बच्चे को आपने छोड़ रखा है? आप सचमुच देवाशीष के जीवन दाता हैं। आप कौन? दिवांगन आश्रम में ये भी रहता है। देवांगन आश्रम, ये नाम कहीं सुना है? नाम सुना है, वक्त हो तो एक बार देख के भी आ सकते हैं। चलिएगा। कैसा लगा आपको मेरा आश्रम? बहुत अच्छा। वक्त मिले तो कभी कभी आ जाइएगा। आऊंगा अंकल। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा। दोबारा आएंगे तो? आऊंगा। वो जीप आपकी है? हाँ। वो पूरी आपकी है? हाँ, पूरी मेरी है। क्या आप मुझे जीप चलाना सिखाएंगे? सिखाऊंगा, पहले थोड़े बड़े हो जाओ फिर सिखाऊंगा। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बोलिए ना, सिखाएंगे? अच्छा बाबा, सिखाऊंगा। मुझे अपने साथ घुमाने ले जाएंगे? उसे घूमने का बहुत शौक है। ले जाऊंगा घुमाने। प्रॉमिस? हाँ? अरे बाप रे, हाँ प्रॉमिस। आओ आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। अंकल एक बात बोलूं? बोलो। आपके पापा हैं? नहीं। मेरे भी पापा नहीं है। पापा बहुत अच्छे होते हैं ना? हाँ। बिल्कुल आपकी तरह। मैं क्या अच्छा हूँ? हाँ बिल्कुल अच्छा अंकल। मैं अगर गुड बॉय बनकर रहूँ, बिल्कुल भी शरारत ना करूँ, हर वक्त पढ़ाई लिखाई करूँ, तो क्या मैं अपनी मम्मी पापा के पास जा सकता हूँ? लगता है तुम अपने मम्मी पापा से मिलना चाहते हो। बहुत। क्या आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे? तो फिर मैं आपको एक माउथ ऑर्गन दूंगा। आप माउथ ऑर्गन बजा सकते हैं? सकता था। आप नहीं बजा सकते? नहीं, सब खो गया है। क्या खो गया है? मेरा वो माउथ ऑर्गन। मैं अपना माउथ ऑर्गन आपको दे दूंगा हमेशा के लिए, आप उसे फिर से बजाना। नहीं देवाशीष,
ये अब मुझसे नहीं होगा। अच्छा अंकल, आपने जो फोटो खींची वो आप मुझे देंगे? एल्बम में सजाकर तुम्हें प्रेजेंट दूंगा। अरे शताब्दी, बोलो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बात क्या है शताब्दी? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? मेरी शादी होने वाली है पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। ऐसी बात है? मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। खुश रहो। अगर तुम्हारे काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो, आज मुझे घुमाने ले चलोगे? तुझे हमने किया, ओ तेरे संग हम चले ना चले, चाहेंगे हम फिर भी तुझे, प्यार तुझे हमने किया। चाहे ना मिले कुछ भी हमें, नहीं है गिला। तुझे प्यार तुझे हमने किया।
रणवीर, रणवीर तुम गुस्सा मत करना। एक बात पूछूं तुमसे? क्या? सुनीता मिश्रा को पहचानते हो? वो मेरी पत्नी है। मैंने उसे प्यार करके शादी की थी। तो फिर विजय राय? उससे मेरी पत्नी शादी करना चाहती है। जो होना था हो गया। तुमने सजा दी और मैंने मान भी ली। विजय के साथ तुम्हारी शादी की बात अब पक्की कर लेते नहीं? क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही? अच्छा विनय जी, आपके बेटे के साथ मैं शादी करूंगी, ऐसा आपने सोचा भी कैसे? सुनिए, मैं आपसे साफ साफ कह दे रही हूँ, आपके बेटे के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मैम साहब, ये चिट्ठी आपकी टेबल के नीचे गिरी हुई थी। डियर उमा, तुम्हारे खत मुझे मिलते रहते हैं, मुझे ही वक्त नहीं मिलता कि मैं जवाब दे सकूं। कल वो एक साल और बड़ा हो गया। वो आश्रम के बाकी बच्चों से बहुत अलग है, किसी के साथ मेलजोल नहीं रखता, मुझसे सिर्फ अपनी माँ और पिता के बारे में पूछता रहता है। कल भी उसने यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी है कि मेरे माँ बाप को मेरे पास भेज दो। अब उसे बहला के रखना मेरे बस की बात नहीं है। तुम क्या वक्त निकाल के एक बार भी यहां नहीं आ सकते? तुम्हारा भेजा हुआ ड्राफ्ट मिल गया है। तुम्हें और सुनीता को मेरा बहुत सारा प्यार। तुम्हारा अपना अवनी। पापा। कहिए मैडम। सॉरी पापा, गलती से मैंने आपकी चिट्ठी खोल दी। किसकी चिट्ठी है? फादर चाचू की। ओह। ये क्या पढ़ेंगे नहीं? हाँ? हाँ पढ़ता हूँ। और क्या लिखेगा? किसके बारे में लिखा है फादर चाचू ने? कौन है लड़का? हाँ? वो लड़का तू तो जानती है, अनाथ आश्रम डोनेशन पर चलता है। अवनी मुझे किसी लड़के की जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहा था, इसीलिए बीच बीच में कुछ पैसे भेज दिया करता हूँ। पहले तो नहीं बताया आपने? हाँ? ओ हाँ, नहीं बताया, बताना भूल गया। चलिए ना पापा, एक बार फादर चाचू से मिलकर आते हैं, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। नहीं। क्यों? नहीं क्यों? हाँ, नहीं मतलब अवनी क्या हमेशा वहाँ रहता है? वो तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है। लेकिन पापा मुझे एक बार नॉर्थ बंगाल जाना ही पड़ेगा, हमारे वो तीस्ता ब्रिज का काम मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। हाँ वो तू जा, अगर काम है तो जरूर जाएगी। पापा। बोलो बेटी। मैं थोड़े दिन कोलकाता में भैया के घर रहना चाहती हूँ। क्यों, अभी तो आई हो? मेरा एक पर्सनल काम है। कहो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैडम। क्या आप जानते हैं सुनीता मिश्रा शादीशुदा है? जानता हूँ। तो फिर आप किसी का घर क्यों तोड़ रहे हैं? ये शादी करके आप खुश नहीं रह पाएंगे, और ऊपर से रणवीर की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। रणवीर? आई सी। आप वादा कीजिए ये शादी नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे दोस्ती करो
दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा। परसों हमारे क्लब में एक पार्टी है, एक डांस प्रोग्राम भी है, तुम्हें वहां आना है। आऊंगी।
सब बुरे, सब बुरे। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? देवाशीष। तुम यहाँ रहते हो? हाँ। किसी ने डांटा है तुम्हें? आप कौन? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। आप रहेंगे यहाँ पर? मुझे तो यहाँ रहने नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे? क्यों, तुम्हारे फादर, मतलब मेरे फादर चाचू। फादर चाचू? फादर कब से चाचू बन गया? अच्छा, आप रहती कहाँ पर हैं? कोलकाता में। मुझे आप अपने साथ ले जाएंगी? तुम्हें घूमने का बहुत शौक है? बहुत। अंकल मुझे रोज घुमाने ले जाते हैं। कौन अंकल? आप उन्हें नहीं पहचानेंगी, अंकल बहुत अच्छे हैं। और मैं क्या बुरी हूँ? नहीं। तुम जाओगे मेरे साथ घूमने? बोलो। अरे सुनीता, तुम किस वक्त आई? बस अभी आई। चाचू अपने देवाशीष को डांटा है? देवाशीष को तुम कैसे जानती हो? क्यों बताऊं, देवाशीष को मैं बहुत दिनों से पहचानती हूँ। ये मेरे साथ कोलकाता जाएगा, है ना देवाशीष? हाँ जाऊंगा। वेरी गुड। यहाँ ना एक बहुत सुंदर पार्क है। फादर चाचू, मैं इसे थोड़ा घुमा कर लेकर आऊँ, जाऊँ? जाओगी? हाँ तो जाओ ना। बहुत खूबसूरत है ना ये पार्क? हाँ बहुत खूबसूरत है। क्या सोच रही है? तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना अच्छा लगता है? बहुत। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन गिफ्ट करूंगी। अच्छा आंटी, आपको गाना गाना आता है? क्यों, मुझे सिखाएंगी? तुम्हें सीखना है? हाँ। पता है आंटी, मेरा एक भी दोस्त नहीं है। क्यों? फादर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आश्रम के सभी मुझसे नफरत करते हैं। मैं चर्च में जाके जीजस के सामने माउथ ऑर्गन बजाता हूँ और मन ही मन कहता हूँ कि आश्रम में हर कोई मुझसे बहुत प्यार करे। पता है मुझे मम्मी पापा से बहुत मिलने का मन करता है। देवाशीष, अगर मुझे पता होता तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तो मैं जरूर तुम्हें उनके पास लेकर जाती। मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं। आपसे 6 जुलाई को आपका भी निमंत्रण रहेगा। 6 जुलाई? क्यों, 6 जुलाई को क्या है? 6 जुलाई को फादर और माधव अंकल मुझे कितनी जगह घुमाने ले जाते हैं, बहुत सारे तोहफे देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। माधव कौन है? अरे माधव चाचू हमारे ही आश्रम में रहते हैं। चलिए ना, 6 जुलाई के सारे तोहफे माधव चाचू ने अपने कमरे में रखे हैं। चलिए आपको दिखाऊंगा, चलिए ना। नहीं बेटा, आज रहने दो। नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। उठिए। देखो बेटा, आज नहीं, आपको सारे तोहफे दिखाऊंगा, आपको छोड़ूंगा। अरे मेरी बात सुनो, उस कमरे में माधव चाचू है, चलिए आपको उनसे मिलवाता हूँ, चलिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अंकल का एल्बम मेरे कमरे में, मैं आपको अपनी फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं बस अभी लेकर आया। जाइए आप उस कमरे में बैठिए ना। माधव, माधव तुम आ गए? हाँ फादर। तुम्हें पता है सुनीता आई है। कहाँ? आश्रम में? हाँ, देवाशीष के साथ उसकी दोस्ती हो गई है, बहुत ही जज्बाती हो गई है, दोनों घूमने गए हैं। क्या संतोष, मैं तुम पे भरोसा करता हूं, देवाशीष की असलियत तुम जानते हो और मैं, इस राज का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि देवाशीष सुनीता का ही बेटा है। एक दिन नर्सिंग होम से मैं ही उसको लेकर चला आया था।
कि देवाशीष सुनीता का ही बेटा है, कि देवाशीष सुनीता का ही बेटा है। एक दिन नर्सिंग होम से मैं ही उसको लेकर चला आया था। पापा, अरे इतनी जल्दी चली आई, कैसा रहा वहां का कामकाज? मैं अनाथाश्रम से आ रही हूँ। ओहो, अवनी के साथ मुलाकात हुई? उनसे ही मिलने गई थी। ओहो, अच्छा। देवाशी से भी मिलकर आई। चौक क्यों गए? हाँ, ज्यादा दिन छुपा नहीं पाए पापा। सुनीता, मैं कल ही अपने बेटे को अपने पास लाऊंगी। नहीं 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 सुनीता, नहीं सुनीता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। डरिए मत पापा, देवाशीष को लेकर अगर मुझे आपके पास जगह नहीं मिली तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। आपकी बेटी देवाशीष को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना ही लेगी, वहां मुझे आपके पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी पापा। औलाद, अपनी माँ के पास रहे, यही तो दस्तूर है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सब जानते हैं मेरी बेटी कुमारी है। आज अगर सुनीता देवाशीष को लाकर कहे ये मेरा बेटा है तो फिर सोसाइटी में मेरी प्रेस्टीज, मेरी पोजीशन, मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा किसी भी हाल में। नहीं अवनी, मैं किसी फादर से नहीं, मैं अपने दोस्त से एक आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये गुनाह है, पाप है, फिर भी तुम किसी भी हाल में देवाशीष को मत सौंपना। याद रखो, तुमने अगर सुनीता को खाली हाथ नहीं लौटाया तो फिर खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अवनी 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 प्लीज अवनी। फादर, कैसा लगा आपको मेरा गाना? बहुत अच्छा। तुम्हारी आंटी ने सिखाया है ये गाना? हाँ, उन्होंने ही सिखाया है। देखिएगा फादर, इस गाने के सुर को मैं एक दिन माउथ ऑर्गन से बजाऊंगा। देवाशीष, बोलिए फादर। अपनी माँ के पास जाओगे? आप जाएंगे मुझे मेरी माँ के पास लेकर फादर? जाऊंगा, इस बार सचमुच तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। बोली कैसा काम? अपनी माँ से मिलने के लिए आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पता है मुझे मम्मी पापा से बहुत मिलने का मन करता है। देवाशीष, अगर मुझे पता होता तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तो मैं जरूर तुम्हें उनके पास लेकर जाती। मुझे पता है आप बहुत अच्छी है। तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना अच्छा लगता है? बहुत। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन गिफ्ट करूंगी। फादर चाचू, फादर चाचू, आप फादर को ढूंढ रही हैं? हाँ। लेकिन फादर तो अभी यहाँ नहीं हैं, थोड़ा बाहर गए हैं। ओह। आपको क्या चाहिए मुझे कह सकती हैं? मैं फादर के साथ ही काम करता हूँ।
आप लोग सुनकर खुश होंगे कि मैं देवाशीष को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, इसलिए आपके आश्रम की क्या फॉर्मेलिटीज है अगर बता दे। ओहो, उससे पहले गाड़ी में कुछ गिफ्ट है, अगर वो सब किसी से उतरवा ले तो, मतलब मैं चाहती हूँ देवाशीष जाने से पहले अपने दोस्तों को अपने हाथों से देकर जाए। लेकिन क्या देवाशीष आपके साथ जाने के लिए राजी होगा? जरूर चाहेगा वो मुझसे। अच्छा ठीक है, बुलाइए उसे। आंटी आप यहाँ से चली जाइए, दोबारा कभी मत आइएगा। ये तुम क्या कह रहे हो देवाशीष? तुम्हें याद नहीं उस दिन पार्क में तुमने मुझसे क्या कहा था? नहीं, आप यहाँ कभी मत आइएगा आंटी। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों बेटा, मैंने क्या किया है? अरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, देखोगे? नहीं, आपका कोई भी गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा, कभी नहीं। आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनीता जी, आप तो देवाशीष की भलाई चाहती हैं, इसीलिए प्लीज इसके बाद आप उससे मिलने कभी मत आइएगा। सुना ना, वो आपसे मिलना नहीं चाहता। देवाशीष, 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 क्या हुआ तुम्हें? फादर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने आंटी को जाने के लिए कह दिया, वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। अब आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाएंगे ना फादर? बोलिए ना फादर, बोलिए ना फादर, बोलिए ना। सुनीता जी, आप तो देवाशीष की भलाई चाहती हैं, इसीलिए प्लीज इसके बाद आप उससे मिलने कभी मत आइएगा। सुना ना, वो आपसे मिलना नहीं चाहता। नहीं, आपकी कोई भी गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा, कभी नहीं। एसिड बल्ब्स को रेडी कर राजू। रेडी है उस्ताद। आ रही है। सुनीता, देवाशीष, फादर चाचू, आप लोग? हाँ देवाशीष, यही है तुम्हारी माँ। ये तो आंटी है। नहीं, यही तुम्हारी माँ है सुनीता। देवाशीष तुम्हारा ही बेटा है। इतने दिनों तक
मैंने इस राज को छुपा कर रखा था। मुझे सब पता है फादर चाचू। पता है? हाँ। देवाशीष। माँ। देवाशीष, मेरा बेटा। ये छोकरा सुनीता का बेटा। देवाशीष माँ, ये चोट कैसे लगी बेटा? ये मेरी ही गलती की सजा है, तुम्हें सब बताऊंगा। चलिए फादर चाचू, चलो रास्ते में बात करते हैं। माँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। माँ, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। सुनीता मिश्रा का बेटा। तुमने ठीक से सुना? हाँ सर, उन्होंने खुद मुझसे कहा है। बादू ने किडनैप किया? हाँ सर, बादू ने, वो विनय का पालतू गुंडा। आप तो मुझे जानते हैं ना विनय जी, मैं रणवीर हूँ। ऐसा कर रहे हैं, मैंने उनका क्या बिगड़ा है? मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। ले जाऊंगा बेटा, जरूर ले जाऊंगा। पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर यही कही 5 लाख रुपया डाउन कर दे। बादू, दरवाजा खोल। बादू, तूने एक लड़के को उठाया है। हाँ गुरु, मैंने सोचा कुछ कमाई वमाई हो जाए इसलिए। लौटाना तो पड़ेगा।
इसके गले के आर पार होगा। आजा बादो। साबाश। तुम ही हो असली गुरु। माँ। देवाशीष। सुनीता बेटी तुम आ गई। मैं देवाशीष को लेके तुम्हारे पास जाने ही वाला था। हराम सादे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर। ये है असली गुनेगार। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैंने बच्चे को नहीं उठाया, मैंने बच्चे को नहीं उठाया, ये बादू इसी ने बच्चे को उठाया था। देखिएगा इसे जमानत ना मिल पाए। अबे साले पलटी बाज गुरु। बादू। अबे आंखें किसे दिखाता है बे? तो सुन ले रणवीर, यही वो चिंदी चोर गुरु है जिसने एसिड बल्ब दे के मुझे भेजा था सुनीता का मुंह झुलसाने के लिए। चाचू बदले सुनीता का बच्चा उठा लाया कुछ माल पानी कमाने के चक्कर। विनय चाचू, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। क्यों? मैंने आपके बेटे से शादी नहीं की इसीलिए? मैंने आपके बेटे से शादी नहीं की इसीलिए? बोलिए। रणवीर की शादी की रात तुम्हें साले गुरु घंटाल रणवीर को फोन करके बुलाया था उसे मरवाने के लिए, पर साला बच गया। पर चाहे कुछ भी कहो सुनीता, तुम्हारे सिंदूर की ताकत गजब की है। लेकिन तेरी बारात कहाँ जाएगी रणवीर? मेरे ड्रग्स लदे गाड़ी को लेकर भागने के चक्कर में साला पुलिस के चक्कर में पड़ गया, 1 साल चक्की पीस कर आया। सर, डीएसपी साहब ने आपके पास भेजा है। शताब्दी, तुम? सर, इन्होंने ऐसी जिद की कि इतना सब जानने के बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाई रणवीर। आखिर थाने में जाके ड्यूटी ऑफिसर से बात करके। मिस्टर रणवीर, आपको भी एक बार पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कांस्टेबल, इन्हें ले आओ। चलिए। सुनीता दी, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। माँ, हम घर कब जाएंगे? हाँ बेटा, अभी चलूंगी। यही है आज का हीरो, आपका बेटा। हाँ, कल सुबह मैं आपके घर आऊंगी सुनीता दी। क्यों? अपनी शादी का इनविटेशन देने। ओह, तुम्हारी शादी कब है? अगले शुक्रवार को। मन इतना उदास है मेरा। क्यों? शादी के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, अशोक मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड वहीं रहते हैं। अशोक मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड वहीं रहते हैं। मैं चलती हूँ रणवीर, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने भी जाना है। चलती हूँ दीदी। अब हमें भी चलना होगा। देवाशीष, तुम मेरे साथ चलो। रणवीर। बोलो। मैं कितनी बुद्धू पता है? वो विनय चाचू है ना, मुझसे कहा था कि तुमने शताब्दी से शादी कर ली है। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ रणवीर, और मैंने उनकी बातों पे भरोसा भी कर लिया, और इन सब में हमारी जिंदगी के कितने साल बर्बाद हो गए।
कुछ बाकी भी तो है पापा। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो तुम लोग पापा क्या बेटा? आप सिर्फ मम्मी को प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं करते। रणवीर, तुम मुझे एक प्यारा सा तोहफा देना चाहते थे ना, आज मुझे मिल गया।